नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट में। आज मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ प्रयागराज 2024 महाकुंभ की तैयारी। ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पीपा पुल बन के तैयार हो गया है। पिछली वीडियो में आप देखे होंगे कि यहाँ पे पीपा पुल बनने का काम शुरू था। और अभी आप देख पा रहे होंगे पीपा पुल वगैरह बन गया है। ये देखिए सामने से पूरा खंभा वगैरह लग चुका है और रोड वगैरह बन चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये देखिए मिस्त्री वगैरह सब काम कर रहे हैं। सब जगह देख सकते हैं खंभे वगैरह पूरा गड़ चुका है। तो आप लोग को मैं चलता हूँ आगे तक, पूरा दिखाता हूँ जितना भी काम चल रहा है। सभी को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और इस बार 6 पीपा पुल बनाया जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं माघ मेला की तैयारी, उसी तरह चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग फिलहाल बाइक से चल चुके हैं। ये देखिए चक्कर प्लेट वगैरह कुछ जगह लगाई गई है और कुछ जगह भी काम चल रहा है। ये साइड में सर्विस रोड रहेगी, इसके ऊपर जो है बस जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाइप उतारी जा रही है ट्रक से। ये देखिए पाइप उतार के रखा जा रहा है, ये पाइप लगेगा, इसमें से पानी वगैरह आएगा। जितने भी कल्पवासी आएंगे, 1 महीना 45 दिन यहाँ पे रहते हैं। देखिए सभी मजदूर का यहाँ टेंट वगैरह है, खाने पीने का, दुकान वगैरह छोटी छोटी लगी है अभी। तो दोस्तों, सामने से आप देख सकते हैं उस पार से पुल बनाया जाएगा और इस पार तक जो कि उस साइड में पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। और इस साइड में देख सकते हैं काफ़ी कटान है, इस साइड में भी शुरू हो गया है, पीपा वगैरह रखा गया है। ये देखिए पूरा बालू वगैरह जो है पूरा बह जा रहा है। तो इस साइड में से देख सकते हैं ये पीपा वगैरह है। यहाँ से पुल बनेगा अब आगे तक पूरा मेर जाने का, बाकी आगे भी पुल बन रहा है, दिखाते हैं। वो देखिए जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लगा है वहाँ से भी पुल वगैरह बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, परेड ग्राउंड से क्रेन की मदद से पुल पे लद के आ रहा है। अब ये आएगा फिर पूरा पुल घूम के इधर वापस आएगा। और साथ ही साथ में उसके पीछे आप देखेंगे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो देखिए पीछे में वो जितने भी पोल वगैरह हैं वो सब है, वो सब आ रहा है, ट्रैक्टर पे लदा हुआ है। इसी तरह चक्कर प्लेट लद के आती है और जा करके गिरा देती है। यहाँ पर कई सारे पोल वगैरह हैं और इलेक्ट्रिक का कई सारा सामान वगैरह है।
ये शायद बिजली घर वगैरह बनाया गया है, जो भी सामान वगैरह है सब यहीं पे रखा गया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पुल बनाने के लिए पूरा दलदल मशीन, दलदल मिट्टी जो है उसको मिट्टी वालों से बराबर किया जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि गंगा आगे बह रही है, कुछ हल्का फुल्का पानी इधर से जा रहा है जिससे पूरा दलदल है। जब उसको पानी से मिट्टी से बराबर कर देंगे तो पीपा वगैरह रखने में थोड़ा सही रहेगा, वरना धसे उसेगा। तो वही काम चल रहा है यहाँ पे। और ये जो झंडा देख रहे हैं आप, यहीं पे बनाया जाएगा सीधा झूसी के साइड में, तो झूसी से सभी इधर से जा सकेंगे। ये देखिए, आधा पुल बन गया है। और आपको प्रयागराज संगम दिखाते हैं। ये देखिए, जो आखिरी कॉर्नर है वही संगम है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कट रही है तो और उधर इधर घुसा जा रहा है, मतलब कटान हो जा रहा है बार बार, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जेसीबी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे जैसे कि बाढ़ वगैरह आता है तो काफ़ी कटान वगैरह हो जाती है, तो उसी को बराबर किया जा रहा है जेसीबी से। देख सकते हैं कई सारी जेसीबी वगैरह लगी है। ये देखिए, क्योंकि ये देखा जाए तो बालू और मिट्टी दोनों मिक्स रहता है, तो कई जगह गड्ढा पे हो जाता है, कई जगह मिट्टी वगैरह सब बैठ जाती है, कई जगह काफ़ी ऊंचा नीचा रह जाता है, तो ऐसे में जब तक बराबर नहीं होगा तो दिक्कत होता है। बाकी जो है आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल तो आप लोग देख चुके होंगे वीडियो में, खंभा वगैरह लग रहा है, लाइट कनेक्शन हो रहा है और पीपा पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि सबसे पहला काम यही होता है। क्योंकि लोग अगर आएंगे तो सबसे पहले उनको नदी पार करनी पड़ेगी और उनको बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सब ये सब चीज़ चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले एक महीना पहले ही ये काम चालू हो जाता है। तो इसका काम ये देख सकते हैं आप लोग, दिखा दिया मैंने, और आगे दिखाते रहेंगे जो जो जैसा काम होता जाएगा। फिर धीमे धीमे जब टेंट वगैरह लगना चालू हो जाएगा तो सब भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट करते रहिए अच्छी तरह। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।